हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कंचन। कंचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन, वो भी मसाले वाले। तो यहाँ पे मैंने मसाले में एक कांदा ले लिया था, एक टमाटर ले लिया है और अदरक लहसुन ले लिया है। इन्हें मैंने अच्छी तरह से भूंज कर पीस लिया है। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 3 चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल मेरा अच्छे से गर्म हो जाने पर मैंने उसमें डाला है राई, जीरा, कड़ी पत्ता। राई, जीरा, कड़ी पत्ता फ्राई होने पे मैंने उसमें जो अभी मसाला पीस के रखा हुआ था ना, वो इसमें डाल दिया है। अब मसाले को मैं अच्छी तरह से भूंज लूँगी। मसाला मेरा अच्छी तरह से भूंज रहा है, साथ ही मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। मिर्ची पाउडर आप आपके तीखे के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ये सब्जी 4 लोगों के लिए बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे घर में हम सिर्फ 4 लोग रहते हैं, तो क्वांटिटी मेरी हमेशा कम ही रहती है। तो आप आपके क्वांटिटी के हिसाब से सब्जी बनाइएगा। यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है स्वादानुसार। मसाले को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और इसे अच्छी तरह से भूंजने दूँगी ताकि इसमें से तेल छूट जाए। अगर फ्रेंड आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि मैं कैसी सब्ज़ी बनाती हूँ, मुझे कैसी बनाना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स आप देखते तो हो लेकिन ना लाइक करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो और ना ही कमेंट्स करते हो, तो प्लीज़ कीजिए। यहाँ पे देखिए मेरा मसाला अच्छी तरह से भूंज गया है, इसमें से तेल भी ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू बैंगन जो मैंने काट कर नमक डाल के पानी में रख दिया था। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी ताकि आलू बैंगन पे मसाला अच्छी तरह से लग जाए। तब तक मिक्स करना है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी कस्तूरी मेथी, थोड़ी सी हाथ से क्रश करके डालूंगी मैं, और इसे ढक के 4-5 मिनट के लिए धीमी आंच में मैं पकने दूँगी ताकि जो मसाला है वो आलू बैंगन पे अच्छा सा लग जाए और इससे भाजी थोड़ी स्वादिष्ट लगती है। तो 2-3 मिनट के बाद मैंने खोल कर इसे मिक्स कर दिया है। मैं इसे वापस ढक के रख दूँगी। 2-3 मिनट के लिए ही, क्योंकि बैंगन तो जल्दी से पक जाते हैं बट आलू पकने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। 2-3 मिनट के बाद मैंने वापस इसे मिक्स किया है। आप चाहे तो अगर आपको सूखी भाजी खानी है तो इसे ऐसे ही यूज़ कर सकते हो, बट मुझे यहाँ ग्रेवी बनानी है क्योंकि मैंने आज दाल नहीं बनाया है। तो मैं आज आलू बैंगन के साथ चावल और ज्वारी की रोटी बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है। तो यहाँ पे तैयार है मेरी मसालेदार आलू बैंगन की सब्जी।